बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स इन दिनों विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। मुनमुन दत्ता और युविका चौधरी की तरह अब रणदीप हुड्डा भी विवादों में घिर गए हैं। इन दोनों एक्ट्रेस की तरह ही रणदीप हुड्डा ने भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, वो भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती पर। शुक्रवार की सुबह से अरेस्ट रणदीप हुड्डा ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर रणदीप हुड्डा का एक वीडियो बीते दिनों से वायरल हो रहा है। इसमें वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में ट्विटर पर अरेस्ट रणदीप हुड्डा ट्रेंड हो रहा है। बसपा और मायावती समर्थक लगातार एक्टर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि रणदीप हुड्डा का बयान सिर्फ मायावती और दलित विरोधी नहीं बल्कि महिला विरोधी भी है। इस पूरे मामले पर अभी तक रणदीप हुड्डा की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया। अब ये देखने वाली बात होगी कि रणदीप इस पर कब और क्या सफाई देते हैं। रणदीप हुड्डा के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर बीते दिनों सलमान खान की फिल्म राधे में नजर आए हैं। रणदीप की एक्टिंग की खासी तारीफ हुई। वो फिल्म में एक ड्रग डीलर के रोल में नजर आए जिसका नाम राणा था। रणदीप के अलावा सलमान खान, गौतम गुलाटी, दिशा पटानी और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार्स भी हैं। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।